बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत एक नंबर इवेंट था आए थे, और अभी जितना भी अवार्ड शो मिला है मेरे को सबसे अच्छा लगा परफॉर्म करके, हर एक चीज बहुत बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड से बॉलीवुड में हम लोग अभी 2 साल से हैं, हमारा गाना मूवी भी आने वाला है हमारा राम मोहम्मद सिंह अल्लाह, उसमें एज अ म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर भी है। सबसे पहली बात मैं कॉन्ग्रेचुलेट और धन्यवाद दूंगा निकेश ताराचंद मदानी जी को तथा राम कुमार पाल जी जिन्होंने ये आयोजन किया, समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को वो अवार्ड दे रहे हैं, और आज ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गोल्ड आइकॉन अवार्ड मुझे बिंदु दारा सिंह जी, शाहबाज खान जी, रितु शिवपुरी, उपासना सिंह जी तथा योगेश लखानी जी, इनके माध्यम से, इनके हाथों से ये दिया, तो फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा सारी टीम को, थैंक यू सो मच। यही कहना चाहूंगी कि सब जो भी अपने अपने फील्ड के माहिर लोग थे उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, और मुझे लगता है अवार्ड्स की बहुत अहमियत होती है। कोई भी इंसान जो काम करता है उसे अगर अप्रिशिएट किया जाए, अप्रिसिएशन मिले, तो डेफिनेटली वो उससे बेटर काम करने की कोशिश करता है। सो मुझे लगता है कि बहुत से अवार्ड फंक्शंस होने चाहिए, मुझे हमेशा अवार्ड लेना और अवार्ड देना बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 फिल्में ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, अभी एक सीरियल हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं हिंदी का, और बाकी तो मैं फिल्म कर ही रही हूँ, मेरी 5-6 पंजाबी फिल्में भी रिलीज पे हैं, 3 हिंदी फिल्म रिलीज पे हैं, और मैं डिफरेंट लैंग्वेज की फिल्में कर रही हूँ, और इसके अलावा अभी एक सीरियल मैंने किया है बहुत दिनों बाद, उसका नाम है देवांचल की प्रेम कथा। सो एक्टिंग तो मेरा हॉबी है, मेरा शौक है, मेरा पैशन है, और जब तक हूँ जिंदा तब तक करती रहूंगी। शादी हो जाए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, तो मुझे लगता है बुआ की शादी होनी ही नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा, किसी भी एक्टर के लिए जो चीज उसकी हिट होती है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत सारी फिल्में, बहुत से सीरियल्स करने के बाद कोई चीज हिट होती है, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी पहली जो फिल्म थी मारवाड़ी फिल्म थी 22-40 सासरिये, उससे बड़ी हिट राजस्थान में आज तक कोई हिट फिल्म नहीं, फिर अहमदाबाद में रिक्शा वालों गुजरात की फिल्म हिट हुई, फिर उसके बाद मेरी फिल्म हिट हुई जोड़े रह जो राज जो कि गुजराती फिल्म थी, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो सुपर हिट शोज किए हैं। सो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी फिल्में और ऐसे सीरियल्स आए जिन्होंने लोगों का मुझे इतना प्यार दिलवाया कि आज भी मैं जो भी काम करती हूँ लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक ये प्यार बरकरार रहेगा मैं काम करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, क्योंकि हम आप ही लोगों के बीच से हैं, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि एक आप लोग हमारे सहयोगी मित्र, बड़े भाई, सब कुछ आप लोग हैं, और हम भी आप ही पर एक पत्रकार ही हैं, और बहुत अच्छा लगा कि एक हमारे किसी को किसी के काम का सम्मान मिलता है, तो वाकई वो जीवन का बहुत ही अनमोल क्षण होता है, और ये क्षण हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि जिन्हें देखना चाहिए हमें अवार्ड लेते हुए वो भी हमारे साथ हैं, तो आई थिंक आप लोग भी मतलब खुश होंगे। तो मैं एक सवाल आप लोगों से करूँगा कि आपको अपने बीच के भाई को ही अवार्ड देते हुए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाकी कुछ आप लोग पूछना चाहें? नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
गोल्ड आइकॉन नेशनल अवार्ड, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड हुआ है। ऐसा अवार्ड मैंने कभी देखा नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ और बहुत ही हाउसफुल था। पहली बार देखा एक भी कुर्सी नहीं थी, लोग खड़े थे। आई थिंक इज गुड, अवार्ड जीतना बहुत खुशी की बात होती है, जब अवार्ड मिलता है बड़ी हिम्मत बढ़ती है और आगे और काम करने का जोश बढ़ता है। तो आई थिंक ऐसे अवार्ड शो होते रहने चाहिए। निकेश और राम भाई जिन्हें ये अवार्ड शो किया है, वेल डन, जिन्हें भी अवार्ड जीता बहुत 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 खुशी की बात है। एंड सबको बेस्ट ऑफ लक। उसका एक साल पूरा हो चुका है, सेकंड साल स्टार्ट हो रहा है अभी 26-27-28 को प्रगति मैदान में सीजन 2 होने जा रहा है। लेकिन मैं सन ऑफ सरदार फिल्म की शूटिंग करने स्कॉटलैंड जा रहा हूँ, तो शाहबाज भाई को मैंने बोला मेरी जगह आप जाए और ये प्रोग्राम को और बढ़िया करें, बिकॉज आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, आर्ट को सपोर्ट करना बहुत ही उम्दा काम है। आज इन आर्टिस्ट की पेंटिंग आपको मिल रही है 25,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 में, लेकिन कल को कोई भी इनमें से ही MF हुसैन बनेगा, कोई और बनेगा बड़ा बड़ा कलाकार, तो आपने जब उसकी पेंटिंग सस्ते में ली होगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इट्स नथिंग बेटर देन दैट। इतनी फनी पिक्चर, इतनी कमाल की पिक्चर सन ऑफ सरदार 2, उसके बारे में जब मैं स्टोरी में सोचता हूँ तो मेरा पेट दर्द होने लग जाता है। सन ऑफ सरदार 1 बहुत कमाल थी, पर सन ऑफ सरदार 2 उससे भी बहुत ऊपर है। उसमें सिर्फ हम 4 हैं, हमारा नाम वही है, टोनी, टीटू, हमारे जो संधू परिवार है वो संजय भैया, संजय दत्त हमारे भाई बड़े, और हम दोनों, और सामने अजय देवगन है उसका भी नाम वही है, लेकिन बाकी स्टोरी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेडीज में से एक भी नहीं है। बट द शो एंड द स्टोरी इज फैंटास्टिक। मैं इतना खुश हूँ स्क्रिप्ट सुन के कि लग रहा है 40 दिन स्कॉटलैंड में, बहुत मजेदार है। जब अभी तो फिलहाल दूसरे औरों में का दम है, रिलीज हो गई, आप लोग सब उसे एंजॉय करें, बहुत ही फैंटास्टिक। अजय देवगन और तब्बू की फिल्में हमेशा ही 2 गुड होती हैं, और सन ऑफ सरदार 2 तो अभी शुरू हो रही है। मैं 23 तारीख को वहाँ पहुँचूंगा और 29 अगस्त तक मैं वहाँ हूँ स्कॉटलैंड में, लेकिन इसकी रिलीज आई थिंक बहुत जल्द होगी, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता ये 300-400 करोड़ से कम करेगी, इतनी बड़ी सुपर हिट फिल्म होगी। मैं स्टोरी मैं सच बता रहा हूँ, जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत हंसी आती है, तो यानी वो स्टोरी जब भी मेरे दिमाग में घूमती है कि हाय जाके ऐसा सीन कर रहा है। आइसक्रीम इस फिल्म में मैं पूरे टाइम आइसक्रीम खा रहा हूँ, और मुकुल कोक पी रहा है, जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, लेकिन स्कॉटलैंड में शूटिंग है और इस बार हमारा भेड़ बकरियों का फार्म है, बहुत ही कमाल है। साथ में इसमें और भी है, रवि किशन भैया है बहुत ही फैंटास्टिक रोल में, और मृणाल ठाकुर है, और गोब्रियाल है, और काफी कुबरा है, बहुत लोग है, तो फिल्म बहुत फैंटास्टिक है, और आप वेट करें सन ऑफ सरदार 2। किसका सर नहीं, पर उसका कभी हुआ डेथ? कौन सा फाइट मास्टर? कैसे हुई डेथ? कुछ फिल्म इंडस्ट्री, हम सिंटा के टावर में खड़े हैं, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उनका थोड़ा सा रिस्क होता है, जो फाइट्स है, स्टंट्स है, उसमें एक्टर को भी रिस्क होता है, कभी एक्टर को भी चोट लगती है, कभी कभी कुछ ना कुछ, एक हॉलीवुड जैसी जगह में भी रिवॉल्वर से गोली रियल निकल गई, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये इसको आप यानी काम के जो बोलते हैं, जो रिस्क हर काम में सिर्फ ईजी और रिलैक्स नहीं होता, तो इट्स सैड कि ऐसी चीज़ होती है, एक्सीडेंट हो सकता है। उनकी फैमिली के लिए बहुत बहुत हम तो हम सब की तरफ से हम खड़े हैं। यहाँ सिंटा में हम लोग यही काम करते हैं कि जितने भी पुराने एक्टर हैं जिनके पास रहने के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें सपोर्ट करना। अभी हमारे डॉक्टर SP सिंह ओबरॉय है, सरबद्दा पला, उनसे मैंने कल ही 8 लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, 5,000 उनके घर पहुँचेंगे, ऐसे कार्य करते जा रहे हैं। प्रीति सपूत जी है CAWD के, मुकेश ऋषि, पूनम ढिल्लो, पद्मी गौर, सबके साथ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आपको अपने अपने एसोसिएशन के लिए, आप लोग सब जैसे आप लोग सब जर्नलिस्ट
से कैमरा डिपार्टमेंट में चलाते हैं, न्यूज फैलाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी पूरी फ्रेटर्निटी को सेफ करके रखें। आयुष्मान भारत है, इंश्योरेंस है, वो सब के सबको लेनी चाहिए फॉर फ्री। बहुत चीजें मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ देश भी बढ़ रहा है, आप सब भी बढ़े। एंड वेरी वेरी सैड फॉर द फाइट पास्ट। अवार्ड शो बहुत जरूरी होते हैं, जितने हो उतने कम है। अवार्ड लोगों को मिलने चाहिए, उसे वो चार्ज अप होते हैं काम करने के लिए। और राम भाई जो है वो हमारे एकदम फैमिली जैसे हैं, निकेश भी बहुत वेरी क्लोज टू मी, तो मुझे बड़ी खुशी है जब इनका अवार्ड होता है एंड मैं हमेशा इनके साथ। गॉड ब्लेस। हमारे अयूब भाई करने वाले, उसमें आप लोग सब लोग आए, उसको जितना उठा सकते उठाए, मीडिया से अपील रहेगी। और ये पहली बार निकेश ताराचंद जिनने स्वयं के बल पे काम किया है, उसके बैकबोन पीछे से, और कार्यक्रम सफल हुआ, अच्छा हुआ, लोग अच्छा बोल रहे। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से अगर कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो क्षमा याचना करना चाहूंगा, क्योंकि आदमी की इज्जत ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो मैं मीडिया के माध्यम से उन सारे अवार्डी को आए हुए सभी अतिथि को धन्यवाद भी कहूंगा और क्षमा याचना भी करूंगा, कुछ मिस्टेक हुई होगी। तो संस्था मैं नहीं चलाता, राम भाई चलाते हैं। मेरा फिल्म प्रोडक्शन है E4U इंटरप्राइजेस, जो लोगों के पीछे होगा, स्काई न्यूज इंडिया है, और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी है आलवर वर्ल्ड का E4U इंटरप्राइजेस के नाम से, और मैंने कई फिल्में बनाई है। जिम्मी शेरगिल को मैंने ही ब्रेक दिया था 97 में, और मैं गुलजार साहब के साथ 8 साल एज ए असिस्टेंट वर्क कर चुका हूँ। और अभी मैंने एक फिल्म बनाई थी फैमिली फर्स्ट, जिसको 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं, और इसीलिए मैंने कुछ अवार्ड फंक्शन में गया और मैंने देखा कि वहाँ किस तरह से लोग वर्क करते हैं, सिर्फ लोगों से पैसे लेके अपने जेब में डालते हैं। अवार्ड कैसे होता है उन्हें पता नहीं। किसी के भी अवार्ड फंक्शन में देखो तो जूरी मेंबर कौन है, उनके घर के लोग हैं, बाहर के हैं, कोई नजर नहीं आता। फिर मैंने प्लान किया कि मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करूंगा उन लोगों के लिए जो अच्छा काम करते हैं। तो मैंने फिर एक कंपनी बनाई, सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप देखेंगे सिने ड्रीम की वेबसाइट पे जाके तो आपको सबसे पहले जूरी मेंबर ही दिखेंगे, और जिसमें सब आपके लोग हैं, मेहुल कुमार साहब से लेके कोमल नाहटा तक, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, और दो ऐसे लोग हैं जो 5 साल से फिल्म फेस्टिवल करते हैं, उनको भी मैंने जूरी मेंबर में रखा है। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप जाएंगे तो पहलाज नीलानी है, जरीना वहाब जी हैं, समीर अंजान साहब हैं, मुंबई के DIG हैं, और ह्यूमन राइट्स के, नेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के वो हैं। इस तरह से मैंने सब अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, और वो फिल्म फेस्टिवल में जुहू के PVR सिनेमा में 27 and 28 अगस्त को 2 दिन स्क्रीनिंग है 2 सिनेमा में, और 29th को वहीं पर अवार्ड सेरेमनी है जुहू PVR में, वो मैं करने जा रहा हूँ, जो शुरू हो चुका है। फरवरी में मैंने लॉन्च किया था इन्फिनिटी PVR में, जब से उसकी पब्लिसिटी चल रही है, अब ये जाके अगस्त में ये फंक्शन होगा। लोग उसके वेबसाइट पे जाइए, देखिए, और आप जिन लोगों को जानते हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, उनको बोलिए कि अपनी फिल्में भेजें। मेरे पास पूरे वर्ल्ड से फिल्में आई हैं, हर लैंग्वेज की फिल्में आई हैं, और मैं खुद परेशान हूँ कि जो हमारे जूरी हैं वो कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किन फिल्मों को हम अवार्ड दें, क्योंकि नेशनल अवार्ड ली हुई फिल्में भी आई हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, इतने बेहतरीन लोग जुड़ रहे हैं, और लोग हमसे और बातें करते हैं कि सर आपने इसमें म्यूजिक को क्यों नहीं रखा, दूसरी चीज़ें क्यों नहीं रखा। तो मैंने क्या सोचा कि मैं फिल्म अगर मैं फेस्टिवल कर रहा हूँ उसमें सिर्फ फिल्म होनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री, सिर्फ इन्हीं को जोड़ा है, म्यूजिक एल्बम, इन सारी चीज़ों को नहीं। और क्योंकि फिल्म की बात है, ये हार तो भोपाल का प्यार है, भोपाल वाले हमारे शैतान सिंह पाल जी ने प्यार से पहनाया है, और अवार्ड फंक्शन
कैसा रहा आप ही लोग बताए, उसकी पॉइंट और लाइक्स भी आपको आप लोग दिखाएंगे, साथ हमारे साथ साथ आपके भी मीडिया के भी लाइक और पसंद बढ़नी चाहिए, भी तो होना चाहिए। आज के जमाने में इंस्टा का जमाना है, हमारे साथ साथ आपको भी इसका लाभ होना चाहिए। आज 143 अवार्ड बांटे गए और इस अवार्ड फंक्शन में आपने देखा होगा कि सब नए लोग उद्योगपति लोग थे, अधिकतर बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी गुजराती लोग थे जो जैन परिवार से थे, और इसमें हमें बहुत बहुत राइट ने बहुत मदद की। पूरे मुंबई में डिजिटल होर्डिंग्स बड़ी बड़ी लगाई, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। कड़ी है, जुड़ी है, कड़ी से कड़ी मिली है, और अवार्ड तो मैं कई लोगों के साथ कई कर चुका हूँ, और भाई साहब ने बताया कि क्या क्या होता है, और लेकिन उतनी सहने की क्षमता है इंडस्ट्री में है। इन्होंने भी फिल्में बनाई हैं, लोगों को जानते हैं, लोग इनको जानते हैं, ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाएं चलाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो इनको लोगों को जमा करने में टाइम नहीं लगा। बहुत सारे लोग तो इनसे शिकायत करेंगे कि सर आपने हमको क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों सम्मानित नहीं किया। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत लोग जानते हैं। 27-28 का फिल्म फेस्टिवल है ये, उसके बाद में हम इनके साथ में सिने ड्रीम जर्मन में भी जा रहे हैं। जर्मन में भी हमको मौका मिला है, और एक कंपनी इनकी है जो जर्मन अप्रूव्ड है, जर्मनी में भी हमको मौका मिला है, और जय श्री राम को लेके हम अमेरिका जाके आए, एक सवा महीने का शो करके आए, वापस जय श्री राम का डिमांड आया है। हमने वहाँ अपना भारत और भारत की शान के लिए, हमारा शो शाम को होता था, लेकिन हम लोग दिन में वहाँ पे जो प्रसिद्ध है जैसे गोल्डन गेट है, वहाँ पे राम हनुमान सीता सबको बस में घुमा कर लोगों को दिखाते थे कि जय श्री राम। क्या बात है।